हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएच ट्यूशन क्लासेस। चलिए आज पढ़ेंगे वॉइस सेंस के बारे में और उसके रूल्स, ठीक है। वॉइस सेंस के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसका रूल्स क्या है। उसका रूल्स है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है और उसका पैसिव में क्या होगा, पैसिव में उसका फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस मेन वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यह है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है पास्ट इनफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो पास्ट इनफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, यह है एक्टिव वॉइस, ठीक है। और उसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होगा, रूल्स होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यह है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो उसके बाद देखिए तीन नंबर पे, तीसरा है सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यहाँ पर वॉइस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यह है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, इसी से सेंटेंस बनता है। तो उसका पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस बी मेन वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यह पैसिव वॉइस का फॉर्मूला और यहाँ पर बी एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये जितना सारा गया इनफिनिट टेंस में गया, अभी करूँगा जितना सारा करूँगा कॉन्टिन्यूस में करूँगा। और यहाँ पर फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है और यह है एक्टिव वॉइस का। और यहाँ पर पैसिव कैसे बनाऊँगा, पैसिव बनाऊँगा ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बींग, यहाँ पर बींग एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा बींग एक्स्ट्रा लगता है, मेन वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर भी पहले जैसे बींग एक्स्ट्रा लगा था कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लगेगा बींग। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वेयर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। और उसके बाद है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, देखिए ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बींग एक्स्ट्रा लगा, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया, उसके बाद बाय सब्जेक्ट। तो ये रहा आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला पास्ट कॉन्टिन्यूस का। और अभी आपका आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वो ही बींग एक्स्ट्रा आएगा, फॉर्मूला देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनेगा वही बींग तो लगाना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस बी प्लस बींग, देखिए ना बींग बींग, पहले भी बींग अभी भी बींग, और मेन वर्ब 1 पहले था अभी मेन वर्ब 3rd फॉर्म हो जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया पैसिव वॉइस का। तो अभी आया, अभी होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। अभी जितना सारा करूँगा मैं परफेक्ट का करता जाऊँगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव हैस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। और अभी नीचे देखिए क्या, ऑब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन, बीन एक्स्ट्रा तो लगेगा, यहाँ पर परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन एक्स्ट्रा लगेगा, मेन वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट, ओके पैसिव। अभी आएगा देखिए पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट में हमेशा बीन एक्स्ट्रा लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा एक्टिव वॉइस का। अभी देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, बीन हमेशा सेम टू सेम रहेगा परफेक्ट टेंस में, मेन वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद क्या है फ्यूचर परफेक्ट, ये लास्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा फॉर्मूला आपको तो पता ही है, अगर नहीं पता है टेंस के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में दूसरा वीडियो दिया हुआ है वो देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव मेन वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस का। और अभी पैसिव वॉइस का देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक हैव विल प्लस हैव बीन, या फिर बीन एक्स्ट्रा लगा मेन वर्ब 3rd फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये है पैसिव। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। अगर ये आपको याद हो गया तो आराम से आप लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस आराम से कर पाएंगे। तो उससे पहले बीएच ट्यूशन क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर थोड़ा सा भी हेल्प रहा प्लीज़ लाइक करें शेयर करें।